सीएम बघेल ने किया रूरल इंडस्ट्रियल पार्क का उद्घाटन, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया उद्घाटन। ग्रामीणों ने किया जोरदार प्रदर्शन, फैक्ट्री नहीं खुलने को लेकर किया गया विरोध। ग्रामीणों ने किया 8 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदर्शन, महामहिम राष्ट्रपति को सौंपा ज्ञापन। डिनेक्स फैक्ट्री की महिलाओं ने किया प्रदर्शन, वेतन बढ़ाने को लेकर किया हंगामा। पुलिस को मिली बड़ी सफलता, कबाड़ का परिवहन कर रहे युवक को किया गया गिरफ्तार। नमस्कार, मैं हूं मुस्कान अजमानी और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। रुक करते हैं छत्तीसगढ़ की बड़ी खबरों की ओर, जहां खबर महासमुंद से है, जहां रूरल इंडस्ट्रियल पार्क का उद्घाटन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मुंगेली जिले के सरगांव से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पूरे छत्तीसगढ़ में किया। इसी कड़ी में आज महासमुंद जिले के 2 स्थानों में रूरल इंडस्ट्रियल पार्क में लोकार्पण कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें विरकोनी और गोड़ बहाल इलाका शामिल था। बता दें कि दोनों ही जगहों पर स्थानीय विधायक मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए और दीप प्रज्वलित करते हुए कार्यक्रम का उद्घाटन किया है। सरगुजा जिले के ग्राम चिरंगा में खुलने वाले मां कुदगड़ी एलुमिना प्लांट के जमीन पर 4,000 से ज्यादा ग्रामीणों ने बैठकर प्रदर्शन किया। इस दौरान ग्रामीणों से चर्चा करने पहुंचे कलेक्टर और एसपी को ग्रामीणों ने घेर लिया और फैक्ट्री नहीं खुलने को लेकर विरोध भी किया गया, जिसके बाद अधिकारियों को वापस लौटना पड़ा। वहीं इस मामले को लेकर एसपी ने कहा कि जिस तरीके से ग्रामीणों के द्वारा लाठी डंडे तीर धनुष गुलेल सहित पत्थरों से लैस होकर ग्रामीण मौजूद थे, इससे लगता है कि इस क्षेत्र को हिंसा के रूप में ग्रामीण तब्दील करना चाहते हैं। लेकिन वो कलेक्टर है तो हमन ला ओकर माइक ला भी नहीं देस, बात करे बर हमर पब्लिक बर तो आए रहिस, लेकिन का चीज पूछी समर जगह का सबूत दे सामान ला काबर आए रहिस, वो काबर आए रहिस, तुमन काहे पर बैठे आप विरोध में? हमन तो भाई कंपनी कर बारे में विरोध में बैठे हन, कई दिन ले लड़त हन। मतलब यहाँ जो फैक्ट्री जो लग रहा है ना, उसको हमारे गांववासी लोग ये आसपास का 4, 5, 6, 7 पंचायत का मतलब नहीं लगाना चाहते हैं। करीब 3 से 4 हज़ार ग्रामीण जो हैं वो चिरगा पहाड़ में आसपास के करीब 5-6 ग्रामों से आए हुए और विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और सभी तरह के शस्त्र अस्त्र और सभी हथियार लेके पत्थर वत्थर लेके वो लोग वहाँ पर जमा थे। उनमें थोड़ी उग्रता भी थी तो हम लोगों ने इसका आकलन किया। हमारे पहले एडिशनल एसपी उनसे वार्तालाप करने गए कि क्योंकि आज प्रशासन ने सीमांकन का दिन निकाला था कि आज सीमांकन होगा वहाँ पे, तो उनको ये था कि सीमांकन होगा और बहुत तरह का भ्रम था कि कंपनी के लिए ऐसा किया जा रहा है वैसा किया जा रहा है। थाना अंतर्गत 11 ग्राम पंचायत जिसमें प्रमुखता चिरगा, माझा, कालीपुर, करदना, लेगू इत्यादि गांव हैं, जिसमें गत कुछ वर्षों से एल्युमिनियम प्लांट का विरोध चल रहा है। उसी में हाल ही के दिनों में शासन की जो योजनाएं हैं, जो शिविर हैं, वो लगातार आयोजित किए जा रहे हैं और बहुत सक्सेसफुली ये माझा गांव में और झरगांव में गत दिन किया गया था। बीजापुर में ग्रामीणों ने एकजुट होकर 8 सूत्रीय मांगों को लेकर महामहिम राष्ट्रपति महोदय के नाम पर ज्ञापन सौंपा है, जहां तहसीलदार ने ग्रामीणों का ज्ञापन स्वीकार किया, जिसमें ग्रामीणों ने पंचायत में मनरेगा का नगद भुगतान और मोबाइल नेटवर्क सिस्टम को बंद करने के साथ ग्राम पंचायत वृद्धावस्था पेंशन को नगद देने की मांग की है। ग्राम ये बोर्डे में यहाँ पर 8 सूत्रीय मांग को लेकर के ग्रामवासी इकट्ठा हुए हैं और यहाँ पर हमने इनका ज्ञापन दिया है और कल इसकी ज्ञापन को ये शासन तक पहुँचाएंगे।
दंतेवाड़ा में डेनिक्स के कर्मचारियों ने गारमेंट फैक्ट्री के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, जहां सैलरी बढ़ाने की मांग को लेकर महिलाओं ने काम बंद कर दिया। गारमेंट फैक्ट्री के लगभग 350 महिलाओं ने फैक्ट्री के बाहर जमकर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। वहीं इनकी मांग है कि कंपनी द्वारा इनकी सैलरी नहीं बढ़ाई जा रही है, जिसके बाद महिलाओं के इस प्रदर्शन की जानकारी मिलने के बाद पूर्व जिला पंचायत उपाध्यक्ष भी उनको समर्थन देने के लिए धरना स्थल पहुंचे। तो हमारा, हम सब बहनों का एक ही मुद्दा है, सैलरी, क्योंकि हमको टाइम पे सैलरी भी नहीं मिलता, 17-18 कभी कभी 20 पहुंच जाता है। तो हम चाहते हैं कि हमारा सैलरी में इंक्रीमेंट हो, प्लस 10 तारीख तक हमें सैलरी भी मिल जाए, क्योंकि कई बहनें ऐसे हैं जो किराया में रहती हैं, 3,500 में उनका क्या होगा, वो अपने लिए बचाएंगी या फिर किराया का पैसा देंगी। कई ज़रूरतें भी होती है लड़कियों की, तो वो सारी ज़रूरतें पूरी नहीं हो पाती है। तो आज आप लोग काम करेंगे या नहीं करेंगे? नहीं करेंगे, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी हम नहीं करेंगे। सैलरी बढ़ाने की मांग? हाँ, सैलरी बढ़ाएंगे तो ही काम करेंगे। बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, जो हो जाएगा इनका जो सैलरी बढ़ोतरी, उसके लिए प्रपोजल गया है। कितने दिन का ये प्रोसीजर होता है? टाइमलाइन अभी तक श्योर नहीं है, MOU पे काम चल रहा है। MOU बहुत हद तक कम्प्लीट हो चुका है, हम लोग सोच रहे हैं कि 80% के आसपास वो कम्प्लीशन पर है। अगर पिछले 4 महीने के अंदर में हम 80% कम्प्लीशन पर लाए, मैंने उनसे सिर्फ 2 महीने का और समय मांगा है कि अगले 2 महीने के अंदर उनके अकाउंट में बढ़ी हुई सैलरी ही आएगी, और सोमवार तक मैं उनको ये ब्यौरा दे दूंगा कि उनका बढ़ी करके। आज आप लोग स्ट्राइक पे हैं, काम बंद? ये सब ना सैलरी के ही बारे में है सर, सैलरी के बारे में ही है। अपन को सैलरी मतलब बढ़ना चाहिए, ये करके कि ये भी नहीं पता है हमको रोजी मिल रहा है कि क्या है, रोजी के हिसाब से भी दे रहे हैं कि क्या है, 6,500 रुपये मिल रहा है, तो हमको बढ़ना चाहिए। हमारे हमारे जो बहनें हैं काम कर रहे हैं, वो मतलब ग्रेड से बटा हुआ है। सरायपाली पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर बड़ी कार्रवाई करते हुए उड़ीसा से छत्तीसगढ़ तक लाखों रुपए के अवैध कबाड़ का परिवहन कर रहे एक युवक को पिकअप वाहन के साथ गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। बता दें कि कबाड़ के सारे सामान सहित पुलिस ने 5,40,000 रुपए को जब्त कर आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। छत्तीसगढ़ के बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश भर की तमाम बड़ी और ताजा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी।